हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RTS स्टडी में। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और साथ में ऑल का भी बटन प्रेस कर दीजिए। और लास्ट में करेंगे इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं जो कि लुसेंट जी के बुक से लिया हुआ स्टैटिक जीके पूरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 12 अक्टूबर 2021 का करेंट अफेयर्स। 12 अक्टूबर 2021 का करेंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि जो कि एडिटोरिया का न्यू बुक जो मार्केट में आया है अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का, उन बुक से आपको चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यह बाल्टेरी बोटास ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टेरी बोटास। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 यानी फार्मूला 1 कार रेस है, और बाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज़ के रेसर हैं और यह फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। तो यह ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स देख लेते हैं, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 यह लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डैनियल रिकार्डो ने जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 यह मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 यह स्टेबन ओकोन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यह खरीद ली है आपको रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी कि RNESL ने यह खरीद ली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। RNESL ने यह सौदा 771 मिलियन डॉलर में यह किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 यह सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी सतीश रेड्डी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी DDRND के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सामरिक तथा रणनीतिक महत्व की मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है और देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों की आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। तो ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। तो टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये भवर सिंह को यह दिया गया है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो यह जो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 यह सबराना रॉय को यह दिया गया है। अगला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है भानुमति घेवला को। यह सम्मानित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ईरान पुरस्कार 2021 डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 यह लाइफ को दिया गया, LIFE को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 है जो यह 11 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं के बालकों के समान अधिकार दिलाना है। तो ये कैमा संस्करण था, तो ये 9वां संस्करण था और ये 2021 में इसका थीम रखा गया है डिजिटल जनरेशन योर जनरेशन और राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने भारत सरकार की आरसीएस उड़ान यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। तो ये टॉप 5 हवाई अड्डे के बारे में अब देख लेते हैं जो हवाई अड्डा के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोझिकोड केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भुवनेश्वर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह 2021 के लिए यह 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह 3 वैज्ञानिक है डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस है। ये इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। ये तीनों जो है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है। ये सब किस देश का है? तो ये डेविड कार्ड ये अमेरिका की हैं, जोसुआ डी एंग्रिस्ट ये अमेरिका की हैं, गुइडो इम्बेंस ये अमेरिका की है। कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं? तो दरबार स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज स्वीडन यह प्रदान करती है। तो ये अर्थशास्त्र के था। तो अब देखते हैं कि वैज्ञानिक के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? भौतिक विज्ञान के लिए। तो यह भौतिक विज्ञान के लिए 2021 में पुरस्कार दिया गया है। तो यह शिव कुरो मनासे को जो अमेरिका की हैं, कलाउस हैसलमैन जो जर्मनी की हैं, जॉर्जियो पारिसी जो इटली के, इनको भौतिक क्षेत्र के फील्ड में आपको इसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तब बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी की हैं और डेविड मैकिमिलन अमेरिका के, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 के लिए। और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो डेविड जूलियस जो अमेरिका की हैं और लेबन अर्देम पटापाउटियन जो अमेरिका की, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। और ये लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार यह अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया जो तंजानिया की है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। तो यह मारिया रेसा जो फिलीपींस की है और दमित्री मुराटोव जो रूस की है, इन सभी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर यह रणवीर सिंह बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह भारतीय अभिनेता हैं। अब देखते हैं कि टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर यह अवनी लेखरा बने। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कृति सेनन बने हैं। वॉच कंपनी फॉलिस की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कृति सेनन बने हैं। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर ये अमिताभ बच्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्टल ऐप का नाम का मोबाइल ऐप एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है जो पोर्ट से संबंधित जानकारी और पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जो माई पोर्टल ऐप जो है इसको लॉन्च किया है, तो यह सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने माई पोर्टल ऐप का नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है कि पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार ऐप का उद्देश्य उन बंदरगाह उपयोगकर्ताओं के लिए हैं जो विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का उद्घाटन करना चाहते हैं। ये सभी पोर्ट तथ्यों को डिजिटल रूप से दिखाएगा और पोर्ट संचालन की निगरानी करेगा। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं। आप देखते हैं कि टॉप 5 ऐप के बारे में, ये ऐप के बारे में क्वेश्चन आया है तो टॉप 5 ऐप के बारे में देख लेते हैं कौन सा ऐप कौन शुरू किया है। तो भूकंप अलर्ट ऐप यह उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। ई नगर मोबाइल ऐप यह गुजरात राज्य ने शुरू किया है। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप यह अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। प्रगति मोबाइल ऐप यह भारतीय जीवन बीमा यानी LIC ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है, तो यह बिनयमीन को दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिनयमीन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाने माने मलयालम लेखक बिनयमीन को उनकी पुस्तक मंथली रिले 20 कम्युनिटी वार्स गर्ल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और प्रसिद्ध मूर्तिकार कनाइड कुन्हीरामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रतिष्ठित पत्र शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह जो 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की यह जो 119वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 119वीं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैक्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। सिंहासन खाली करो जनता आती है इनका प्रसिद्ध नारा है। जन्म इसका 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 पटना में हुआ। तो दोस्तों ये था आपको 12 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स जो कि पूरा कर लिए है, उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए हैं। अब इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह बाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीतकर अपने नाम हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीद ली है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी कि RNESL ने खरीद ली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया है तो जी सतीश रेड्डी को यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो यह महाराष्ट्र में किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2021 के किन 3 वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये डेविड कार्ड को दिया गया, जोसुआ डी एंग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह रणवीर सिंह को यह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्टल ऐप नाम का मोबाइल ऐप एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो यह सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 9 है 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसे ने जीता है, तो यह बिनयमीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो यह 11 अक्टूबर 2021 को यह 119वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों ये था 12 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स का रिवीजन जो कर लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि आज स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 171 होगा और ये सारा भी क्वेश्चन आपको लुसेंट जी के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोज सेट नंबर 171 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जारी किया जाता है, तो जो ये राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं जो अनुच्छेद 123 के तहत वो अपना अध्यादेश जारी करते हैं, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह जो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है तो यह धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला यह जुंको तोवाई है जो जापान की है। अगला क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, तो यह जो फेदोमीटर है इसका उपयोग समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है फेदोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। अगला है कि किस रक्त समूह व्यक्ति का सार्वभौमिक प्रदाता को हो सकता है, तो यह हो सकता है रक्त समूह ओ जो सबको दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो यह डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे यानी किडनी का कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है, तो यह जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर यह एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, तो एस्बेस्टस के रूप में। अगला है कि शाहनामा के लेखक कौन था, तो यह फिरदौसी या शाहनामा के लेखक। अगला है दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। तो दोस्तों ये था 12 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स के साथ, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं, क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं, डेली की तरह स्टैटिक जीके का सेट नंबर आज 171 का क्वेश्चन भी कर लिए जो कि पूरे लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपको एडिटोरिया का न्यू बुक का आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो कि बुक नया आया है अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद लीजिए या आप इस चैनल से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।